अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम एक और छोटा सा टॉपिक मतलब कवर करेंगे। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, तो इस तरह हम छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो फिर मैं 9th और 10th की जो केमिस्ट्री फिजिक्स है उसको चैप्टर वाइज फिर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री फिजिक्स है उसको भी फिर स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बाज़ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है या 760 है। तो हमारा जो ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो तो जो है ना 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हैं। तो ये मतलब ये एटमोस्फियरिक प्रेशर है, ये हमारे जिस्म के जो प्रेशर हुए हैं, जो ब्लड प्रेशर वगैरह, ये उसको मतलब दबा क्यों नहीं सकता? ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये क्यों? तो बच्चों असल में हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो ह्यूमन प्रेशर है, वो जो है ना वो 880 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हैं, जो कि 760 को मतलब इनमें से ये जो 760 ही ये काउंटर करके 120 रह जाता है। तो 120 जो है ना वो हमारा ब्लड प्रेशर है, जिसमें सिस्टालिक हैं और डायस्टालिक हैं, जो 120 सिस्टालिक है, 80 डायस्टालिक है मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ना। तो यही वजह है कि ये असल में 880 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हैं, ठार हैं ये, इसको बाकी जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको 760 को काउंटर करके 120 रह जाता है। तो ये ही उसका आंसर है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। तो इस तरह आगे वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं और टॉपिक पर छोटे छोटे टॉपिक कवर करूँगा। तो वसलाम।